नाम चाहे नोवेल कोरोना वायरस हो, नाम चाहे कोविड-19 हो, उसकी कहर से सतर्क रहने के लिए सभी को जिला प्रशासन, महकुमा प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से हर पल चेतावनी दे रहे हैं। दिस इज ABC न्यूज AGT लाइव। माइक द्वारा स्वास्थ्य विभाग से भी ये काम किया जा रहा है। पूरे भारत के साथ समानता बजाए रखते हुए सड़क पर उतरे अम्बासा में जवाहर नगर स्थित BSF की 86 नंग बटालियन की वीर जवान भाइयों। आज 14 अप्रैल को उसी बटालियन की खुद डेप्यूटी कमांडर VS अलवाद वाहिनी की गाड़ी पर माइक और साउंड सिस्टम सहित इस देश की नागरिक को देश प्रेम की परिचय दिया। लॉकडाउन की वक्त घर में बंद लोगों को मनोरंजन के लिए हिंदी तथा बंगला में गाना भी सुनाया। इस समय लोगों के किस किस्म की होशियारी बरतनी चाहिए, कैसे कोरोना की क्रूरता से खुद को बचाए, ये सलाह भी दिया। BSF की 86 नंग बटालियन की इस प्रयास से काफी खुश नजर आया घर में बंद अम्बासा वासियों। इससे BSF की समाज की प्रति जो जिम्मेदारी दिखाई उसको किसी तराज में मापा नहीं जा सकता। एक सच्चा देशभक्त होने का रोल अदा करें। धन्यवाद। एमनकि एकजन स्वास्थ्यवान मानुषकेও আক্রমণ করতে পারে যখন আপনি করোনা ভাইরাস উপসর্গযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে দেখবেন। আপনার উচিত তাদেরকে উপসর্গগুলি সম্পর্কে সচেতন করা, একটি মাস্ক প্রদান করুন, কমপক্ষে 3 ফুট যা এখনো পর্যন্ত হাজারেরও বেশি মানুষকে আক্রান্ত করেছে। আসুন আমরা শিখে নিই কিভাবে আমরা নিজেদের এটির থেকে সুরক্ষিত রাখব। করোনা ভাইরাসের সুস্পষ্ট লক্ষণগুলি হল শ্বাসজনিত সমস্যা, ক্রমাগত গলা খুশখুশ করা, শুকনো কাশি, উচ্চ মাত্রায় জ্বর। যদি আপনি এই সমস্যাগুলির সম্মুখীন হচ্ছেন তবে ডাক্তারের কাছে যান এক্ষুনি। আসুন দেখে নিই কিভাবে সাথে কথা বলেন। যদি আপনার আশেপাশের কেউ হাঁচে বা কাশে, যদি আপনি আক্রান্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করেন অথবা বিদেশ থেকে ভারতে ফিরে আসছেন এমন কোনো ব্যক্তির থেকে। যদিও করোনা ভাইরাস মূলত ক্ষতিগ্রস্ত করে বয়স্ক মানুষ এবং অসুস্থতা থেকে समय पर अपने हाथों की धुलाई साबुन से करें, घर में बने रहें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। आप एक सच्चे देशभक्त हैं, इस लड़ाई में आपके सहयोग की आवश्यकता है। कन्फर्म है कि जी आप अपना सहयोग बचाव के संसाधन उपयोग कर ही कर सकते हैं। कोरोना वायरस से संक्रमण से बचाव के लिए आप अपना सहयोग दें, देश को आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप अपना सहयोग हैंड सैनिटाइजर व्यवहार करूं। बंधुरा, কাশির সময় মাস্ক পরা বা মুখ চাপা দেওয়ার মাধ্যমে কাউকে খুব প্রয়োজন ছাড়া স্পর্শ করা এড়িয়ে গিয়ে নমস্কার করে সম্ভাষণ করুন। এমনকি একজন স্বাস্থ্যবান মানুষকেও আক্রমণ করতে পারে যখন আপনি করোনা ভাইরাস উপসর্গযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে দেখবেন। আপনার উচিত তাদেরকে উপসর্গগুলি সম্পর্কে সচেতন করা, একটি মাস্ক প্রদান করুন। আম্বাসা সে মানিক দেবনাথ কি রিপোর্ট ABC নিউজ AGT লাইভ।